आप अपने कंप्यूटर में या आप अपने लैपटॉप में किसी भी यूएसबी डिवाइस को आप कनेक्ट करते हो, और कनेक्ट करने के बाद जो आपके विंडोज का जो डिस पीसी है वहां पे आपका यूएसबी जो डिवाइस है अगर वहां पे शो नहीं कर रहा है, या आपके विंडोज में यूएसबी डिवाइस अगर आपका रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे? तो गाइस, जैसे मैं आपको यहाँ पे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है, अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है, और स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको एक बार अपने विंडोज को रीस्टार्ट कर लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रीस्टार्ट करने से भी ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अपने विंडोज को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, और रीस्टार्ट करके फिर वापस आपको चेक करना है कि आपका जो ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर इन दी केस अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है, वो अपने लैपटॉप पे आपको अपने सिस्टम के कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद और आपके सामने रन प्रोग्राम आपके सामने ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको एक कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे इसे जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ, आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो टाइप करने के बाद अब आपको इसे ओके यहाँ पे प्रेस करना है, और आपके सामने डिवाइस मैनेजर का आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे USB वाले सेक्शन में जाना है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लास्ट की ओर आपको यहाँ पे यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस वाले सेक्शन में जाकर आपको यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे USB से रिलेटेड बहुत सारा आपको यहाँ पे ड्राइवर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जितने भी आपको ड्राइवर यहाँ पे USB से रिलेटेड यहाँ पे शो हो रहा है, आपको उन सभी को एक एक करके आपको यहाँ पे अपडेट करना है। मैं यहाँ पे अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करके आपको उन सभी को एक एक करके अपडेट करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करता हूँ, और आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, और आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपका जो ड्राइवर है वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी ड्राइवर को आप अपडेट कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि आपके सिस्टम में या आपके लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप अपने ड्राइवर को अपडेट कर पाओगे। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो ड्राइवर है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ऑलरेडी अपडेटेड है। तो अब मैं इसे क्लोज कर लेता हूं। तो इसी तरह आपको यहां पे इन सभी को आपको यहां पे अपडेट करना है, और अपडेट करने के बाद आपको इसे क्लोज करना है, और आपके यहां पे एक बार अपने विंडोज को दोबारा से अपने विंडोज को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद आपको चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर इन दी केस आपका अगर ये थर्ड प्रोसेस है भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं यहां पे आपको फाइनल प्रोसेस बता रहा हूं, फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है, और स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल पैनल। जैसे मैं यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेता हूँ, आपको अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है, और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आप कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। अगर इन दी केस अगर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे टॉप पे देखोगे यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। और लार्ज आइकन्स करने के बाद जैसे आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे, आपको यहाँ पे रिकवरी का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन में चले जाना। रिकवरी वाले ऑप्शन में आने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ओपन सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन आपको सेकंड नंबर ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन में जाना है, और आपके सामने सिस्टम रिस्टोर से रिलेटेड इस तरह का आपके सामने इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको अपने विंडोज को आपको अपने सिस्टम को कंप्लीटली रिस्टोर करना है। और जिन लोगों को मालूम नहीं है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि रीस्टोर करने से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो 2-3 दिन पास्ट में चला जाएगा, 2-3 दिन पीछे चला जाएगा। जैसे आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम को आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, वो डेट और टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम है वो उतने दिन पीछे चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे आप समझिए कि आपका जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका आ जाया है, जो यूएसबी सबमिटर जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका आ जाया है, टुडे आया है, और कल जो ये प्रॉब्लम नहीं था। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रिस्टोर करना है, तो रिस्टोर करने से क्या होगा, वापस 1 दिन पीछे चला जाएगा। अगर यस्टरडे में आपका जो सिस्टम है वो 1-2 दिन पीछे चला जाएगा, और आपका यस्टरडे में मान के चलिए कि आपका जो ये प्रॉब्लम नहीं था, आपका जो सिस्टम में ये प्रॉब्लम नहीं था, और वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। मैंने यस्टरडे जाने से मतलब ये है, 2-3 दिन पीछे जाने का मतलब ये है कि आपका सिस्टम 2-3 दिन पीछे जैसा भी था वो एज इट इज वैसा ही हो जाएगा, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसे रीस्टोर करना है। रीस्टोर करने के लिए आपको यहाँ पे इस नेक्स्ट बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपको
इस डेट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा यहाँ पे अभी यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सिंगल डेट ही यहाँ पे शो हो रहा है 19/2/2023 का। अगर इन दी केस आपके केस में अगर आपका यहाँ पे 2, 2, 3 या 4 और भी आपको यहाँ पे डेट शो होता है, तो आपको करना क्या है कि आपको आज के डेट के नियरली किसी एक डेट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे यहाँ पे अभी सिंगल डेट यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसी डेट को सिलेक्ट करता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे आपको अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे मेरा जो डेट है, यहाँ पे इस डेट में मेरा जो सिस्टम है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जैसे इस फिनिश बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। रीस्टोर होने के बाद जो ये आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि रीस्टोर करने में किन्हीं किन्हीं लोगों का 10 मिनट का भी टाइम लगता है, किन्हीं किन्हीं लोगों का 30 मिनट का भी टाइम लगता है, किन्हीं किन्हीं लोगों का कुछ आवर्स का भी टाइम लग जाता है, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स तक का भी टाइम लग जाता है किन्हीं किन्हीं लोगों को। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है और यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रिस्टोर कर देना है। रिस्टोर करने के बाद जो ये आपका प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे एक सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।